नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भाई कि वंदे भारत 1, 2, 3, 4 सब चल रहे हैं। 4 चल रहा है, अभी लास्ट स्टेज है। तो उम्मीद करता हूँ कि 4 के बाद बंद हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि भाई ये चलता रहेगा तो फिर कैसे पार पड़ेगी। लोग तो इंडिया ही पहुँच जाएंगे सबके सब, क्योंकि इंडिया इसलिए पहुंच जाएंगे कि बताऊंगा कि आगे प्रोसेस क्या है, अब तक कितने लोग पहुंचे हैं, कौन सी फ्लाइटों से। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं, उनके कहने के हिसाब से जो आंकड़े निकल के आए हैं फ्लाइट से रिलेटेड, 25 मार्च को फ्लाइटें बंद हुई थी, उसके बाद में वंदे भारत 1, 2, 3, 4 ये 4 चल रहा है, और लगभग 2.5 महीने के करीब हो चुके हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही टाइम चल रहा है। इसके दौरान उन्होंने बताया है कि 5 लाख से ऊपर विदेशों में फंसे हुए लोग इंडिया पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 5 लाख लोग तो यार बहुत हैं फिर तो। चलो अच्छी बात है, 5 लाख लोग इंडिया पहुंच चुके हैं। तो 95,000 प्लस, यानी लाख के करीब, इसको आंकड़ा मान के चले, लाख के करीब इंडिया से विदेशों में चले गए। जी हाँ साथियों, यानी 6 लाख लोगों ने आने वाले इस टाइम में, पिछले टाइम में 2.5-3 महीने के दौरान इन आउट और आउट हो चुके हैं। जी हाँ, लाख के करीब, 1 लाख के करीब इंडिया के बाहर गए हैं, और 5 लाख प्लस इंडिया अभी पहुंचे हैं। और ये किस तरह से पहुंचे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है यार मेरे लिए, कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। वंदे भारत मिशन में अब तक टोटल 860 फ्लाइटों का शेड्यूल रहा। जी हाँ साथियों, ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। और चार्टर फ्लाइटों का शेड्यूल 1256। जी हाँ साथियों, चार्टर फ्लाइटें वंदे भारत मिशन की फ्लाइटों से ज्यादा हैं इंडिया में आने वाली। तो ऐसा क्या हुआ यार, इतनी चार्टर फ्लाइटें आ गई? क्योंकि इनका दिक्कत ये आती है साथियों, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं होती, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए ये सोशल मीडिया पे नहीं आती, ये उसमें आता नहीं है, पता नहीं लगता हमें कि ये फ्लाइटें कौन सी आ रही है, कहाँ आ रही है। जैसे अभी जयपुर दुबई से रोज़ फ्लाइटें, लगभग अभी 3-4 फ्लाइटें पहुँची हैं, चार्टर फ्लाइटें, लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं है। वो तो कोई बता देता है कि सर हम चार्टर फ्लाइट से हैं, तो पता लगे। हाँ, एम्बेसी में इंडियन DGCA के पास इनका रिकॉर्ड होता है, हमारे उड्डयन मंत्री उनके पास रिकॉर्ड होता है। 860 वंदे भारत मिशन की फ्लाइटें विदेशों से इंडिया आई पहुंची हैं, और 1256 चार्टर फ्लाइटें इंडिया पहुंची हैं। जी हां साथियों, 8-9 शिप के द्वारा भी इंडियन लोग पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिकवरी चार्टर फ्लाइटों से हुई है। जी हां साथियों, और चार्टर फ्लाइटें भैया मेरे हिसाब से महीने भर से चली हैं, पहले तो चली नहीं थी, पहले तो इसका क्रेज ही नहीं था, महीने भर में इतनी फ्लाइटें इंडिया पहुंची, और अब तो चार्टर 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 फ्लाइटों का चल रहा है। किधर से भी देख लो, मेरे पास भी रोज के लिंक आ रहे हैं, सर हमारी इधर से फ्लाइट जा रही है, आपके पास कोई हो तो बता दीजिए। आपसे मैं इसलिए बातें शेयर कर रहा हूँ कि आपको ये लगता है कि भाई आपका काम नहीं हो रहा है, या फिर फ्लाइटों इंडियन एम्बेसी के थ्रू नंबर नहीं आ रहा है, तो भाई थोड़ा बहुत पैसों का तो देखो डिफरेंस आएगा। एक तो सरकारी फ्लाइट है, एक आप प्राइवेट लेके आते हैं, तो फर्क पड़ता है, समझ गए बात को। तो आप अगर इनके पास आपको मौका मिलता है चार्टर फ्लाइट से, तो आप उनमें आ सकते हैं भाई। और सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है भाई, दिल्ली, इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, बिहार, यूपी, बिहार, इनके लिए कोई फ्लाइटें नहीं हैं। आप कतर से देख लो, आप मस्कत से देख लो, एक न्यूज़ और बता देता हूँ भाई, राजस्थान सरकार मस्कत के लिए, कतर के लिए तो बोल ही नहीं रही है कि आप फ्लाइट मंजूरी नहीं दे रही है, ये स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। तो चार्टर फ्लाइट बेहतर ऑप्शन आपके पास हो सकता है, और ये फ्लाइटें मिलती हैं तो भाई इधर उधर से पता लगा के इनमें आ सकते हो आप। तो बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।